हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम देखेंगे उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। सो रिसेंटली कांचीपुरम में जब प्राइम मिनिस्टर डिस्कस कर रहे थे हमारे इंडिया की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री, तो वहाँ पर उन्होंने इसका जिक्र किया है। अब उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन क्या है उसके बारे में डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे, कौन सी यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई है वहाँ पर भी जाने की कोशिश करेंगे। अब ये जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रिलिम्स के लिए एज वेल एज आपके मेंस के लिए, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, तो इनकी माइन्यूट डिटेल्स भी जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ में क्यों था। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी रेफर टू द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन इन कांचीपुरम तमिलनाडु व्हाइल डिस्कसिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक हिस्ट्री। सो हम कह सकते हैं इंडिया इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलते हैं, डेमोक्रेटिक आइडल्स देखने को मिलते हैं, बट अगर हम ट्रू डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो नहीं एग्जिस्ट करता था। लेकिन जब हम डेमोक्रेटिक आइडियल्स की बात करते हैं, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो आपको उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में काफ़ी कुछ डिटेल्स में देखने को मिलता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं उत्तर मेरूर क्या है। सो इट लाइज इन द प्रेजेंट डे कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इट इज़ नोन फॉर इट्स हिस्टोरिक टेम्पल्स बिल्ट ड्यूरिंग पल्लवा एंड चोला रूल। अब पल्लवा और चोला रूल में जो आपको टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अगर हम उत्तर मेरूर की बात करते हैं, ये लाए कहाँ करता है, दैट इज़ इन द कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट। अब फेमस इंस्क्रिप्शन जो कि परांतका 1 की है इज फाउंड ऑन दी वॉल्स ऑफ वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। अब वैकुंठ पेरुमल टेम्पल के लाइन पे, बॉर्डर पे आपको देखने को मिलता है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। सो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, प्लस आपका रूलर इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज़ परांतका 1। उनके रेन के द्वारा ही यहाँ पर वॉल्स पे उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन लिखी गई है। किसके वॉल्स पे लिखी गई है, दैट इज़ वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट? सो दिस इज उत्तर मेरूर। अब उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं वो क्या है। सो ये अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1100 ईयर्स ओल्ड इंस्क्रिप्शन है जो कि तमिलनाडु से देखने को मिलती है। जनरली हम कह सकते हैं ये परांतका 1 के रेन में है। अब इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस ऑफ विलेज सेल्फ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विलेज सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ पर रूल कैसा होगा, कैसे यहाँ पर हम वोटिंग करेंगे, कैसे यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्ट होंगे, ये सारी डिस्क्रिप्शन दे रखी है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्रोसेस ऑफ विलेज सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिया इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, इट इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सो आपको बहुत सारे न्यूमरस हिस्टोरिकल एविडेंसेस दिख जाएंगे जहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडिया ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है। जहाँ पर हम डेमोक्रेटिक आइडियल्स की बात करते हैं तो वो डेमोक्रेटिक आइडियल्स आपको बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलते हैं, राइट? सो तमिलनाडु का रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लोकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई है फॉर ग्राम सभा। अब ये असेंबली कैसे रन की जाएगी, यहाँ पर व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, इवन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है। दैट मीन्स काफ़ी इलैबोरेट तरीके से बता रखा है कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, राइट? सो यहाँ पर वर्किंग भी बता रखी है, रादर ये भी बता रखा है कि हाउ अ मेंबर वुड बी डिसक्वालिफाइड। सो काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, राइट? ऐसी अगर हम बात करते हैं, उत्तर मेरूर हैज़ मल्टीपल इंस्क्रिप्शंस स्पैनिंग सेंचुरीज, द मोस्ट फेमस वन इन द फॉर्म ऑफ परांतका 1 रेन। बहुत सारी उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाती हैं, दैट इज़ परांतका 1 की। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब याद क्या रखना है, अगर हम उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो रेन किसका था, परांतका 1 का, चोला रूलर हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, प्रोसेस ऑफ विलेज सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की बात करी गई है, जहाँ पर मेंबर्स कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे, और उनकी डिसक्वालिफिकेशन क्या होगी, ये तक भी यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है, राइट? सो दिस इज अबाउट दी उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। अब हम सभा के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो असेंबली है, दैट विल बी एक्सक्लूसिवली ऑफ ब्राह्मण्स। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि हम ट्रू डेमोक्रेटिक आइडियल्स की अगर बात करते हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि ये जो असेंबली है वो स्पेसिफिकली किसके लिए थी, ब्राह्मण्स के लिए थी, एंड हैड स्पेशलाइज्ड कमिटीज टास्क विद डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारी कमिटीज बनाई जाती थी, वो कमिटीज अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। अब लेकिन ये जो असेंबली है वो एक्सक्लूसिवली किसके लिए थी, दैट इज़ फॉर ब्राह्मण्स। दिस इज़ वॉट यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर प्रिलिम्स।
नेक्स्ट देयर विल बी 30 वार्ड्स. अब वो जो ग्राम सभा है उसको जो आपकी विलेज असेंबली है उसको 30 वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाएगा. एवरीवन लिविंग इन दीज 30 वार्ड्स वुड असेंबल एंड सिलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर द विलेज असेंबली. अब विलेज असेंबली के लिए हर 30 वार्ड्स में से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाएगा, राइट. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, ऑल दोज एलिजिबल एंड विलिंग वुड राइट देयर नेम्स ऑन द पाम लीफ. किस पे लिखते थे? पाम लीफ टिकट्स पे. फॉलोइंग विच द रिप्रेजेंटेटिव वुड बी चोजन ऑन द बेसिस ऑफ इलैबोरेट ड्रॉ ऑफ लॉट्स. अब यहाँ से ड्रॉ ऑफ वोट्स करा जाता था. यहाँ पर हम कह सकते हैं पत्तों पे नाम लिखा जाता था और उसके बाद ड्रॉ निकाला जाता था. अब जो ड्रॉ में जिसका नाम आ गया वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, राइट. सो कंडक्टेड बाय द प्रीस्ट्स इन द इनर हॉल ऑफ द बिल्डिंग वेयर द असेंबली मीट्स. सो जब जहां पर असेंबली मीट करती थी वहां पर पत्तों पे, किसके पत्तों पे? पाम लीफ टिकट्स पे नाम लिखा जाता था और ड्रॉ से नाम निकाला जाता था, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द सभा. अब क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं. अब जो मेंबर्स क्वालिफाइड रहेंगे वो कौन से होंगे? नंबर वन, दीज इंक्लूड ओनरशिप ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ लैंड, हैविंग अ हाउस, बीइंग बिटवीन द एज ऑफ 35 एंड 70 एंड नोइंग मंत्रास एंड ब्राह्मणास. अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस दी गई हैं. सबसे पहले यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके पास लैंड होनी चाहिए, एक हाउस होना चाहिए, प्लस आपको यहाँ पर एज जो रिक्वायर्ड है दैट इज 35 to 70. तीसरी बात यहाँ पर कही है नोइंग मंत्रास एंड ब्राह्मणास. अब अगेन जब हम ट्रू डेमोक्रेटिक आइडियल्स की बात करते हैं तो ये वहाँ पर भी खरा नहीं उतरता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो लैंडेड अरिस्टोक्रेटिक रादर ब्राह्मण्स हैं वो ही यहाँ पर इलेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट, एन एक्सेप्शन कैन बी मेड ऑन द लैंड ओनरशिप इफ द पर्सन हैज लर्नड एटलीस्ट वन वेदा एंड 4 भाष्यास. सो यहाँ पर अगर 4 भाष्य और 1 वेदा आपको एडिशनल आता है तो आपके पास लैंड ओनरशिप ना भी हो तब भी आप मेंबर बन सकते हैं. अब ये जो माइन्यूट डिटेल्स हैं ये आपके प्रिलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. अब वन मस्ट बी वेल वर्स्ड इन बिजनेस एंड वर्चुअस भी होना चाहिए. तो यहाँ पर एथिकल डायमेंशन भी आपको देखने को मिलता है. सो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मेंबर्स इलेक्ट हो सकते हैं, उनकी ये क्वालिफिकेशंस एग्जिस्ट करती हैं. डन. नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बता रखा है. दीज इंक्लूड नॉट हैविंग सबमिटेड अकाउंट्स वाइल प्रीवियसली सर्विंग इन एनी कमिटी. जो कमिटी में वो सर्व कर रहे थे वहाँ पर अगर आपने सबमिशन ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली नहीं किया है तो आपको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है. कमिटिंग एनी ऑफ द फर्स्ट 4 ऑफ द 5 ग्रेट सिंस, जैसे कि किलिंग ऑफ ब्राह्मण, ड्रिंकिंग एल्कोहल, थेफ्ट और अडल्ट्री. अगर ये 5 सिंस में से आपने कोई भी एक किया है तब भी आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा. नेक्स्ट, बीइंग एसोसिएटेड विद आउटकास्ट्स एंड ईटिंग फॉरबिडन डिशेस. अब यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक ट्रू डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप आउटकास्ट और ईटिंग फॉरबिडन डिशेस की बात कर रहे हैं. अगेन ट्रू डेमोक्रेटिक आइडियल्स आपको देखने को नहीं मिलते. सो दीज आर दी कंटेक्स्ट जहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन हो सकती है मेंबर्स की. अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं. सो आप देख सकते हैं बहुत सारी कमिटीज़ आपको देखने को मिलती है, गार्डन कमिटी, टैंक कमिटी, एनुअल कमिटी एंड सो ऑन. सो बहुत सारी कमिटीज़ हैं. दीज कमिटी असाइनमेंट्स वुड लास्ट फॉर 360 डेज. सो 360 डेज आफ्टर विच दी मेंबर्स वुड हैव टू रिटायर. सो 360 डेज की यहाँ पर वर्किंग होगी, उसके बाद जो मेंबर्स हैं उनको रिटायर करना पड़ेगा. अब एनी वन इन द कमिटी हु वॉज इम्प्लीकेटेड इन एनी रॉन्ग डूइंग सच एज फोर्जरी और having been punished for a crime was removed instantly. तो अगर आपने कोई भी wrong doings करी हैं इन committees को head करते हुए, इन committees का member होते हुए, तो आपको instantly हटा दिया जाएगा, right? So these were the responsibilities. अब जो inscriptions हैं, it also emphasizes upon the keeping of accounts. अब कोई भी अगर discrepancy भी देखी जाती है accounts में तब भी आपको instantly उस committee से हटा दिया जाएगा. सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स आपको देखने को मिलते हैं कि अगर कोई भी मेंबर रॉन्ग डूइंग्स करता है तो वो उसको इंस्टेंटली हटा दिया जाएगा. अब हम कमिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं. देखिए सबसे पहले है सामवत्सारा वरियम, जो 12 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं. अब ये एक एनुअल कमिटी थी.
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज टोटावरियम। अब टोटावरियम में अगेन आपको 12 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, ये गार्डन कमिटी थी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ईरीवरियम की, ईरीवरियम में आपको 6 मेंबर्स देखने को मिलते हैं और ये टैंक कमिटी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज पंचवरावरियम, पंचवरावरियम में नंबर ऑफ मेंबर्स इज अननोन, ये क्या थी, इट वाज अ स्टैंडिंग कमिटी। देखो आप स्टैंडिंग कमिटी आज भी हम पढ़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस था ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और काफ़ी ज़्यादा इलैबोरेट देखने को मिलता है, जो आज के डेमोक्रेटिक सेटअप पे बिल्कुल सेट बैठता है, राइट। बट जब हम डेमोक्रेटिक आइडियल्स की बात करते हैं, ट्रू डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो वो इस्टेब्लिश नहीं थी, लेकिन जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, कमिटीज़ बनाई गई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इलैबोरेट है, जो आज के समय पर भी वैलिड है, राइट। नेक्स्ट आता है पॉनवरियम, जो पॉनवरियम है अगेन दैट इज़ दी गोल्ड कमिटी। सो अगेन अगर इन कमिटीज़ में कोई भी रॉन्ग डूइंग्स पाई जाती हैं, कोई भी अकाउंट्स में डिस्क्रिपेंसी होती है, तो उस मेंबर को इंस्टेंटली हटा दिया जाएगा, राइट। सो दीज वर दी कमिटीज़, अगेन यू हैव टू रिमेंबर द कमिटीज़, आपसे नाम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लिंक ऑफ द इंस्क्रिप्शन विद टुडेज़ डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं, अब इट इज़ फार फ्रॉम ट्रूली डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि नॉट ओनली डज इट रिस्ट्रिक्ट सभा मेंबरशिप टू अ टाइनी सबसेक्शन ऑफ लैंड ओनिंग ब्राह्मण्स, इट ऑल्सो डज नॉट हैव ट्रू इलेक्शंस। ट्रू इलेक्शंस की बात कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लॉटरी सिस्टम कर रहे हैं, यहाँ पर ड्रॉ सिस्टम कर रहे हैं, जिससे कि क्या किया जाता है, अगेन ट्रू डेमोक्रेटिक आइडियल्स आपको देखने को नहीं मिलते। रादर इट चूजेज मेंबर्स फ्रॉम द एलिजिबल पूल ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू अ ड्रॉ ऑफ लॉट्स, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रांत का वन, चोला वन के बारे में। अब वो कौन थे, क्योंकि इनके रेन में प्रोमिनेंटली उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी, जिसमें हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की बात करते हैं। सो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो प्रांत का चोला वन है, ही वॉज अ चोला एम्परर हु रूल्ड 48 ईयर्स। सो अनेक्सिंग पांड्या बाय डिफीटिंग द राजसिम्हन वर्मन टू एंड इन द डेक्कन वन द बैटल ऑफ वलाला, वेरी इंपॉर्टेंट, इट वन द बैटल ऑफ वलाला अगेंस्ट राष्ट्रकुटास। सो अगेन परांतकावान न्यूज़ में है, तो परांतकावान की जो भी आपको हिस्टोरिकल प्रेवलेंसेज देखने को मिलती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो इन्होंने राष्ट्रकुटों का हराया, और किसको हराया, पांड्यास को अनेक्स किया, राइट, विच हैपन्ड बिफोर 1916 CE। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज रेन वॉज मार्क्ड बाई इंक्रीजिंग सक्सेस, जस्ट अ सेकेंड, इंक्रीजिंग सक्सेस एंड दैट इज प्रॉस्पेरिटी। सो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी इनके रेन में देखने को मिलती है। ऐसी अगर हम बात करते हैं एक्सटेंट की, सो परांतकाज डोमिनियंस कंप्राइज ऑलमोस्ट होल ऑफ तमिलनाडु कंट्री राइट अप टू नेल्लोर इन आंध्र प्रदेश। सो ऑलमोस्ट ऑल सारा आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम चोला ग्रांट्स दैट परांतका वन वॉज अ ग्रेट मिलिटारिस्ट हु हैड मेड एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट। सो आप देख सकते हो यहाँ पर पांड्या रीजन्स को भी एनेक्स किया है और राष्ट्रकूटों के अगेंस्ट भी यहाँ पर वॉर लड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, ही वॉज अ प्रोमिनेंट मिलिटारिस्ट जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट किए हैं। अब सिविक एंड रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती हैं, जहां पर परांतका वन की डिटेल्स दी गई हैं, जिसमें इन्होंने एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी पे काफी ज्यादा काम किया है। अगर हम बात करते हैं, यहां पर न्यूमरस कैनाल्स बनाई गई थी, किसके द्वारा, परांतका वन के द्वारा, तो यहां पर हम देख सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी आपको इनके रूल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ही ऑल्सो यूटिलाइजेज द स्पॉइल्स ऑफ वॉर टू डोनेट टू न्यूमरस टेम्पल चैरिटीज। सो यहाँ पर जो भी वॉर के बाद वो लूट के लेके आते थे, बूटी होती थी, वॉर बूटी, उनको यहाँ पर ये देखा गया है कि जो डोनेट किया जाता है टू न्यूमरस चैरिटीज, सो टेम्पल चैरिटीज भी ये करते थे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट परांतका चोला वन। अब ही इज रिपोर्टेड टू हैव कवर्ड दैट इज द चिदम्बरम शिवा टेम्पल विद गोल्डन रूफ। सो अगेन यहाँ पर आपको प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है। जब भी हम किसी रेन की बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर टेम्पल्स में चैरिटीज़ की जा रही हैं, एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी है, तो इसका मतलब क्या है, उनका जो रीजन था, उनका जो रेन है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस आपको देखने को मिलता है। तभी यहाँ पर टेम्पल चैरिटीज़ भी आपको देखने को मिलती है, रादर गोल्डन रूफ लगाया गया है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रॉस्परस लाइफ लोग जी रहे थे, राइट। सो दिस इज परांतका चोला वन। अब हम एक सिंपल सा एमसीक्यू देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो भी डिटेल्स हैं उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में वो पढ़ ली हैं। सो सिंपल सा एमसीक्यू है, सो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द
ए दैट इज चालुक्यास, बी सतवाहनास, सी पल्लवास और इज इट डी चोलास। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, अभी हमने पढ़ा है तो ये क्या प्रोमिनेंट है, दैट इज चोलास। सो दिस वॉज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू वेरी मच।